नहीं देंगे, हमें चाबी नहीं देंगे। लल्ला हमका चाबी वापस दे दे, ये चाचू के बाइक की चाबी खेला की चीज है ना। नहीं हम नहीं देंगे, जैसे पिक्चर में सब गाड़ी चलाते हम ऐसे चलाएंगे। बाइक की कीचेन, दीदी तन्मय ने अपनी बाइक की कीचेन बदली, वो भी आदर्श भैया के देहांत होने के तुरंत बाद। श्यामू बेटा, अब तो हर तरह से साबित होता जा रहा है कि तन्मय ने ही आदर्श का खून किया है। अरे हमारे घर में ही छुपा है हमारे बेटे का कातिल। अब क्या कहें और क्या करें मां, हम हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ क्या साबित हो रहा है, हमारी हमारी समझ से बाहर है। अभिमन्यु का कहना है कि ये सब कुछ कृष्णा के घर वाले कर रहे हैं सिर्फ केस को भटकाने के लिए। श्यामू बेटा ये मत भूलो कि उन घर वालों में तुम्हारी बेटी भी है जिसके अंदर तुम्हारे संस्कार भरे पड़े हैं। प्रतिज्ञा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी गलत नहीं कर सकती। मां रिश्तों की त्रासदी के जिस मोड़ पर हम सब खड़े हैं वहां कुछ भी संभव है, कोई कुछ भी कर सकता है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी किसकी बातों पर विश्वास करें और किसकी ना। यहां तो सभी अपने हैं, क्या करें। अब क्या कहते हो प्रोफेसर साहब, नए घर में सांप पाल के बैठे थे और साला हमरे बाबा को सूली पर चढ़ाया के खातिर एड़ी चोटी का जोड़ लगाई दी। लेकिन अब तो सच सामने आएगा भाई ना, तो कम से कम फैसला तो सही लीजिए। वैसे बड़ी सच्चाई की पूजा करते हैं ना, तो अब तो अदालत में भी सच सामने आएगा भाई कि हमारा बाबा तुम्हारे आदर्श की जान नहीं लिया है। बाबा के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया है वो वापस खींच लीजिए और मुकदमा दायर करिए तन्मय के खिलाफ। बस इतना कर दीजिए प्रोफेसर साहब, हम तुरंत ही बाबा की जमानत कर पाएंगे। ऐसे कैसे हम मुकदमा वापस ले सकते हैं? अगर कृष्णा के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है तो तन्मय के खिलाफ भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया है अब तक। हमारा वकील कोर्ट में केस लड़ रहा है, अब यह कोर्ट ही तय करेगा कि कौन खूनी है और कौन बेगुनाह। अरे यार तन्मय कोनो दूध का दूल्हा भगवान का अवतार नहीं है प्रोफेसर साहब, रूही मारा है तुम्हारे आदर्श को। और अगर यारो साबित नहीं बाबा तो बहुत जल्द बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो साबित बाबा है ना कि बाबा निर्दोष है, ये तो जानते हो ना सब। कैसे समझाएं प्रोफेसर साहब, बाबा अपनी बहन की जिंदगी कब्बो बर्बाद नहीं कर सकता। मान जाइए और मुकदमा वापस ले लीजिए। अब ये केस तो वापस नहीं ले सकते हम, फैसला चाहे जो भी हो बर्बाद तो हमारी ही बेटी की जिंदगी होगी दोनों तरफ से। चाहे हम इस मुकदमे को जीतें या हारें, हार तो दोनों तरफ से। अरे यार प्रोफेसर साहब माता ये समझाइए ना यार, ये तुम्हारी हार जीत के चक्कर में हमारा बाबा मरा जा रहा हुआ। अरे का सच्चाई दिख नहीं रही का तुमका, सारे सबूत तन्मय के खिलाफ इशारा कर रहे, तुम्हारी अपनी दोनों बेटियां तन्मय के खिलाफ बोल रही है।
और साला तुम बस कल के आए बाहर वाले वकील के चक्कर में आए कि अपने दामाद को सजा दिलाने पे चले हो। सोचे हो प्रोफेसर साहब की का नतीजा कहां निकलेगा? मुजरिम चाहे जो भी साबित हो, चाहे कृष्णा या तन्मय, हार तो हमारी ही है। अरे अपने दादाजी से पूछ कि काहे को उन्होंने नहीं आता तुम्हारे घर, और काहे साला यहाँ का प्राणी हुआ नहीं जाता। लेकिन अगर ये रवैया रहा ना तो ये दोनों परिवार के बीच दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानते हैं इसलिए समझाने आए साला तुमका। पढ़े लिखे कमार आओ। तुम बड़ी विश्वास खाती निकली। अपने ही पति के पीठ पे छुरा भोंक दिया जिस वक्त हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तुम अपने पत्नी होने के फर्ज को अदा कर सकती थी, उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया। एक तरफ तुम्हारी ये बहन जो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करती है, और एक तरफ तुम जो अपने ही पति के लिए फांसी का फंदा तैयार करती है। अपनी इस धोखेबाज बहन के झांसे में आकर तुमने अपने ही पति को मुजरिम की तरह सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। अपने सारे रिश्तों के बलि चढ़ाकर तुम अपने ही पति की जान की दुश्मन कैसे बन सकती हो आरुषि? कैसे? तन्मय तुम भावनाओं का झांसा मत दो। तन्मय रिश्ते नातों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो घिनौना काम किया है ना तुमने, उसके लिए तुम्हें सजा तो होकर रहेगी। अब तुम देखना आदर्श भैया की मौत का बदला हम कैसे लेते हैं, और हम तुम्हें आदर्श भैया का कातिल साबित करके रहेंगे। जो करना है कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप हमारा, निर्दोष हैं हम। हमें खूनी साबित करने के लिए सबूत है आपके पास, बस कह के खुश हो लीजिए आप। अगर किसी को सजा होनी है ना तो वो कृष्णा को होगी। सूली पर अगर कोई चढ़ेगा तो वो कृष्णा चढ़ेगा, जान लीजिए आप। बात करती है